खुशी हुई। आज मैं आप लोगों के दरमियान कुछ आजादी के बारे में कुछ चंद शब्द पेश करना चाहता हूँ। आज मुझे इस मौजे पर खुशाई करने का मौका दिया गया है, वो दरअसल मुझे बहुत बड़ा सवाल दिया गया है कि क्या हम आजाद है। जरा इस सवाल को लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत की तोहफा हासिल करने वाले जहाँ पे अजीत नेमत की लाश आई, तो फिर मेरे ख्यालों में फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा तो बाकी हर मुल्क हर वतन हर देश हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाति के निशाना बनने वाली माँ जिसने मेरे कलम को ये लिखने के लिए मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद हैं, हम उसके क्या लिखे। इतने में इस बात ने मेरे दिल को बहलाया था कि ये मशीन के कैमरा से उड़ाने वाले वीडियो मेरी जमीन को गुंजाने लगी। कली बहुत ही यह सलाम उदीन में कौन सा खुला कर कह रहा है कि एक चांद की अमान पाऊँ, एक बात कहूँ, जहाँ जहाँ की अमान ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा, इन सब का सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जरबेला अभी मैंने लिखने की तारीख कही थी कि फलस्तीन कश्मीर बर्मा के चश्मिया के लोगों ने ठीक ठीक के पुकारा कि है बेखबर, मेरे तो है कि बेखबर, तू तो आज आजादी के मेवन से अशना ही नहीं, तेरी तो अभी मुझे पर लिखने की उम्र ही नहीं, तो आज पढ़ने को आजाद है, लिखने को आजाद है, स्टेट पर तकलीफ करने को आजाद है, हमें तो ये हक भी नहीं, हम बैतुल खदस से अपने बच्चों को यह हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सकें।